बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। 9 जून 2023 को चाहे वो बजट पेश किया गया 2023-24 का, और नेशनल सेविंग सार्फिन के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया गया है, जो कि खासकर एक मखसूस तबके के लिए मुतारफ करवाया जा रहा है, जिसकी अनाउंसिंग डेट भी ऐलान कर दिया गया कि कब ये शुरू किया जा रहा है। तो इस हवाले से मैं आज आपको आगाह करने वाला हूँ। पहले भी मैं आपको नेशनल सेविंग के बारे में एक वीडियो में आगाह कर चुका हूँ कि नेशनल सेविंग ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के जो है वो और शोदा वेलफेयर अकाउंट का जो लिमिट है वो 50 लाख से बढ़ा के 75 लाख रुपए कर दिया है। अब यहाँ पे एक और आपके लिए अच्छी अपडेट लेके आया हूँ कि नेशनल सेविंग सेंटर के ज़रिए कम आमदनी वाले अफराद के लिए माइक्रो डिपॉजिट की नई स्कीम 1 जुलाई 2023 से शुरू की जा रही है, जिस पर शरा मुनाफा ज़्यादा होगा। ये अकाउंट डिजिटली खोलने की सहूलत भी मुयस्सर होगी, यानी कि आप इस अकाउंट को घर बैठे ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और ये ख़ासकर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है जिनकी कम आमदनी है या फिर जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम का जो वो लैग होता है, इशू होता है कि हमारे पास कोई पता नहीं है कि पैसे हमने कहाँ से इकट्ठे किए हैं, और या फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसको इन्वेस्ट कर सकें। 50,000 हैं, 40,000 हैं, लाख है, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन हमको मुनाफा भी ज़्यादा चाहिए। तो आपके लिए इस स्कीम को खासकर मुतारफ करवाया जा रहा है, और 1 जुलाई इसका ऐलान किया गया बजट तकरीर के अंदर। अब देखते हैं कि नेशनल सेविंग वाकई इसको 1 जुलाई से लागू करता है या फिर, वैसे तो ये नेशनल सेविंग बड़ा सुस्त रवि से काम करता है, लेकिन कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट इस माइक्रो डिपॉजिट स्कीम के मुतल निकल के आती है, मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।